तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी। तो आज मैं आपको लेकर आ जाता हूँ गुजरात के पावागढ़ में। यहाँ पर आज मैं आपको माँ कालिका के दर्शन करवाऊँगा और साथ ही साथ गुजरात के पावागढ़ में ऐसी ऐसी ही खूबसूरत वादियों को दिखाऊँगा जो कि बहुत ही शानदार है। तो चलिए चलते हैं, अब हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और बनी रहिए आखिरी तक। तो सबसे पहले हम पावागढ़ में जैसे आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें पहाड़ों की कुछ दूरी बस से तय करनी पड़ती है और कुछ दूरी रोपवे का सहारा लेना पड़ता है या फिर हमें पैदल चलना पड़ता है। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं बस स्टेशन पे। तो बस स्टैंड जैसे आते हैं ना, सबसे पहले हम यहाँ का प्राइस पता करते हैं कि ऊपर तक जाने का कितना चार्ज लगता है, और फिर यहाँ से अब हम बस बुक करते हैं और निकल चलते हैं ऊपर की तरफ। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि भक्तों की संख्या यहाँ पर कभी भी कम नहीं होती है। तो यहाँ पर अब हम खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हैं और फिर आ जाते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर जैसे ही आते हैं यहाँ पर बहुत सी बसें खड़ी रहती है और लाइन बाय लाइन चलती रहती है। तो यहाँ पर अब हम बस से उतरते हैं और यहाँ पर आप सामने देख सकते हो, ऊपर यहाँ से हमें मंदिर दिखाई देता है, हमें वहाँ तक जाना है। तो यहाँ से अब हमें या तो रोपवे का सहारा लेना पड़ेगा या फिर पैदल ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर प्रसाद में भंडारा चल रहा होता है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हमें भीड़ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर अब हम भी प्रसाद लेते हैं और फिर निकल चलते हैं ऊपर की तरफ। ये आप सामने देख सकते हैं, यहाँ से रोपवे का रास्ता है और यहाँ जैसे हम सीधे चलेंगे, यहाँ हमें 1800 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब ऊपर की तरफ। यहाँ पर हमें 45 मिनट का रास्ता बता रहे हैं कि 45 मिनट में अब हम ऊपर चले जाएंगे। तो हमने बिना किसी देरी के पैदल यात्रा स्टार्ट कर दी है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अब आगे की तरफ। यहाँ पर हमें बहुत सी छोटी छोटी दुकानें भी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर अब हम बहुत दूर तक चढ़ चुके थे तो हम थक चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब हम छाछ पीते हैं और नज़ारों का मज़ा लेते हुए निकल चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर आप रास्ते में ही नारियल फूल पत्ती वगैरह ले सकते हो, पूजा के सामान है। और यहाँ पर अब हम थोड़ा जैसे आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर रोपवे दिखाई देता है जो कि दिखने में काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। तो अब चलते हैं रोपवे के पास में। ये आप देख सकते हो, यहाँ से लोग रोपवे का यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर वन साइड का ओनली 125 रुपीज़ होने वाला है। तो यहाँ से आप रोपवे का यूज़ भी कर सकते हो। यहाँ से अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ जो कि हम काफ़ी थक चुके हैं, और यहाँ से भी आप देख सकते हो काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें छोटी छोटी दुकानें भी देखने को मिल जाती हैं। यहाँ से अब हम कुछ सामान भी ले लेते हैं और फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर अगर आप आओ तो रोपवे का यूज़ कर लेना जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि पैदल चलने में बहुत टाइम लग जाता है, लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा थक भी जाते हैं। तो रोपवे का यूज़ करना ज़्यादा फायदा रहेगा। हमारा अब कुछ ही समय बचा है, अब हम लगभग आने वाले हैं। यहाँ पर आप सामने देख सकते हो, दुकानों को काफ़ी शानदार तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर आप पूजा के सामान भी ले सकते हो।
फाइनली अब हम तालाब के पास में पहुंचते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप रोपवे का यूज़ करते हो तो यहाँ से भी हमें कुछ सीढ़ियाँ पैदल ही चढ़नी पड़ती है। तो यहाँ से सभी लोगों को पैदल जाना पड़ेगा और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे अब हम थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ पर हमें स्नान घाट भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अब हम चलेंगे स्नान करने के लिए स्नान घाट में, और स्नान करने के बाद फिर हम चल देंगे मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं स्नान घाट काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर बहुत से लोग स्नान भी कर रहे हैं। देन यहाँ से अब हम चलेंगे स्नान करने के बाद मंदिर की तरफ। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमें मंदिर का जो द्वार है यह देखने को मिल जाता है और ऊपर तक अभी अब हमें कुछ और सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic, but fairy tales are lies. Mama always said remember. यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि हम कितनी दूर तक चढ़कर ऊपर आए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी शानदार माहौल देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाती है। और कुछ समय बाद अब हम आ जाते हैं मंदिर के मुख्य द्वार में। यहाँ से अब हम अंदर की तरफ एंटर करेंगे। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अब हम माँ कालिका के दर्शन करेंगे। यहाँ पर अब हम माँ के दर्शन करेंगे और चलेंगे पीछे की साइड। तो फ्रेंड्स, हमें भी यहाँ खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हुए और माँ कालिका के दर्शन करने में मज़ा आ गया। तो अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हो तो जल्द से जल्द आओ। अगर आप यहाँ पर बरसात के मौसम में आते हो तो और भी ज़्यादा शानदार रहेगा। हम भी यहाँ पर नारियल चढ़ाते हैं और फिर निकल चलते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय हो चुका था, क्योंकि आए थे हम पैदल और अब जाएंगे रोपवे से। तो आप भी मेरी रोपवे का वीडियो देखना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए तैयार रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक्स। आज के लिए इतना ही, बाय।